आज के फनकार। श्रोताओं नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिस्टर जानी, मैंने सब मुल्कों का पिया है पानी, सारी दुनिया घूम घाम के बना हूँ हिंदुस्तानी। तुम पूछोगे क्यों, मैं अभी बताता हूँ, मैं हूँ जानी बड़ा तूफान। जी हाँ, आज बात कॉमेडी के तूफान जॉनी वॉकर की। हर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिक खेल मालिक, कर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अरे भाई, घबराहट का वहाँ क्या काम, जहाँ बात हो रही हो ऐसे फनकार की जो करते हैं हंसी की ऑनलाइन क्लियर। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। आजादी से पहले फिल्मों का वो ऐसा दौर था जब हास्य अभिनेता नूर मोहम्मद चार्ली पर्दे पर आते ही लोगों को बांध लेते। उन्हीं की तरह बनने का सपना पल रहा था इंदौर में बड़े हो रहे बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी की आंखों में। बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जिन्हें आप और हम जानते हैं जॉनी वॉकर के नाम से। अब डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा तारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगे कि हाथ हमारे, अरे मारा मारा। अब डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा तारे, एक रंग बिरंगी चिड़िया अब तो लगे कि हाथ हमारे, अरे मारा मारा। हाँ, चुगती थी चोरी चोरी जो मेरे दिल का दाना, उड़ जाती थी तड़पा कर मित करके नया बहाना। चुगती थी चोरी चोरी जो मेरे दिल का दाना, उड़ जाती थी तड़पा कर मित करके नया बहाना। हम इश्क में जिसके बरसों से फिरते थे मारे मारे, अब लगे कि हाथ हमारे, अरे मारा मारा। क्यों जॉनी वॉकर, ये नाम जितना हमें लुभाता है उतना ही मुश्किल रहा इस नाम को कमाने का सफर। तो चलिए जॉनी वॉकर के फिल्मी सफर पर चलने से पहले बातें करते हैं उन दिनों की जब वो सफर करते थे उस वक्त के बॉम्बे की बेस्ट की बसों में एक कंडक्टर के रूप में। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। दिल
मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। 11 नवंबर 1926 को जन्मे जॉनी वॉकर की आंखों में यूं तो बड़े पर्दे का सपना पहले से ही पल रहा था, लेकिन उन्हें मुंबई में इस तरह रहना होगा ये बात तो उनकी कल्पना से भी परे थी। दरअसल इंदौर के मिल में काम करने वाले जॉनी के पिता मिल बंद होने के कारण परिवार सहित मुंबई आ गए और जॉनी को लग रहा था कि वो अपने सपनों के शहर पहुंच गए हैं, लेकिन 12 सदस्यों वाले अपने परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आते ही जॉनी को अपने सपने से कहीं ज्यादा जरूरी लगा रोजी रोटी करके सभी के लिए रहने खाने का इंतजाम करना। परिवार के लिए उनकी तनख्वाह जरूरी थी और जॉनी के लिए फिल्मों में जाने का सपना। जॉनी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं झोली डाले, कोई मुराद मांगे कोई औलाद मांगे, कोई मोहब्बत चाहे कोई हुकूमत चाहे, कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं किधर है। कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे, सबके गले में भैया अरमानों का ढोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। जॉनी बस कंडक्टर का काम करते हुए खुद को फिल्मी दुनिया में ले जाने का ख्वाब दिखा करते। इसके लिए वो बस में यात्रियों के साथ चुहलबाजी किया करते। उन्हें लगता क्या जाने कब किसकी नजर पड़ जाए और उन्हें मौका मिल जाए। एक तरह से बस उनका रंगमंच थी जहां वो अपना किरदार निभाया करते। यही नहीं, 1947 के आखिर में आते आते उन्होंने फिल्मों की ओर रुख भी किया था। कुछ फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिकाएं भी मिल गई थी, लेकिन ये ऐसे किरदार थे जिनके बारे में खुद जॉनी ने कहा कि ये ऐसे किरदार थे जिन्हें पर्दे में ढूंढना पड़ता तभी नजर आते। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। कहते हैं कोशिश सच्ची हो तो सफलता भी मिलती ही है। एक रोज बस में उन्हें देखा चर्चित अभिनेता बलराज साहनी ने, जिन्होंने जॉनी को मिलवाया दुनिया को फिल्मों का गुर सिखाने वाले निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से। लेकिन मामला यहाँ भी चक्कर खा गया जब गुरुदत्त ने जॉनी को अगली फिल्म के लिए बुलाने की बात कही, क्योंकि उस समय जो फिल्म वो बना रहे थे उसकी शूट पूरी हो चुकी थी। गरीब जान के हमको ना तुम मिटा देना, तुम्हें दिया तुम्हें दर्द दिया है तुम्हें दवा देना, गरीब जान के। लेकिन जॉनी वॉकर भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने वही के वही गुरुदत्त को एक शराबी का किरदार निभाकर दिखाया। उनके इस अंदाज ने गुरुदत्त को ऐसा प्रभावित किया कि गुरुदत्त ने उनके लिए एक रोल फिल्म बाजी में रखने का फैसला किया और उस किरदार को नाम मिला जॉनी वॉकर, जो नाम सदा के लिए जॉनी वॉकर के साथ जुड़ गया। साथ ही जुड़ गया जॉनी वॉकर का गुरुदत्त की फिल्मों से नाता भी। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत हालत बदल बदल गई।
दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा न पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई, सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। कई फिल्मों में जॉनी ने शराबी की भूमिका निभाई, लेकिन असल जिंदगी में जॉनी नशे से कोसों दूर रहते थे। मुंह से मत लगा, चीज है बुरी, देख बच जरा, चीज है बुरी, छोड़ दे ये मैं कशी, मेरे हम नशीं, मेरे हम नशीं। अरे बात मत बढ़ा, छोड़ दिल लगी, होश कर जरा, छोड़ दिल लगी, झूठ बोलता है तू, मैंने पी नहीं, मैंने पी नहीं। बाजी के बाद जॉनी वॉकर गुरु दत्त की फिल्मों में हुआ ही करते, यहाँ तक कि उनके लिए अलग से किरदार भी लिखे जाते। ऐसी कुछ खास फिल्मों की बातें करें तो याद आते हैं नाम इन फिल्मों के, जाल, बाज, आर पार, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद आदि। यहाँ हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि गुरु दत्त के फिल्म में ही तो जॉनी को मिला था अपने फिल्मी करियर का सबसे पहला गाना। वो फिल्म थी आर पार और गीत ये। अरे वाँ 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 वाँ, ऐसा कैसा होगा, तोबा काए को करता, तोबा काए को करता, प्यार से डरता, ऐसा जैसा नंबर कैसा होगा। जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। का तू अंकल बंदर, का तू बाप, वो नहीं बंदर, रहो जी चुपचाप। मारा बाप गीत का तू अंकल, बंदर का तू बाप, अरे वो नहीं बंदर, रहो जी चुपचाप। अरे वाँ 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 वाँ, ऐसा कैसा होगा, तोबा काए को करता, तोबा काए को करता, प्यार से करता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन्ना नन्ना नन्ना, तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, इस गाने की एक और खासियत भी है, वो ये कि इस गाने के जरिए जॉनी की मुलाकात हुई अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री शकीला की बहन नूरजहां यानी नूर से, जो खुद भी एक बाल कलाकार रह चुकी थीं। जॉनी और नूर को एक दूसरे का साथ ऐसा भाया कि जल्द ही दोनों विवाह के बंधन में बन गए। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगराई, मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई, मैं भी सेहरा फाड़ के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलकर। बाय। अब जॉनी अपने सपनों के करीब थे,
50 के दशक में निर्माता निर्देशक यही चाहते थे कि किसी तरह जॉनी उनकी फिल्मों में आ जाएं। अपने चुलबुले अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से जॉनी सबका दिल जीतते थे और दर्शक उन्हें देखने के लिए सिनेमाघरों में खींचे चले जाते। ये क्या सोची में कहीं अपनी सगाई तो पहले नहीं कराया। What are you talking, दीदी? दीदी से कौन लड़की पसंद करेगी, ये मुंह और मसूर की दाल? मसूर की दाल? अबे हम नॉन वेजिटेरियन है बिच्छू। सुनीता जी आई थी। कौन? सुनीता। ये किस चीज़ का नाम है भाई? अब बन मत, लड़की मुझे अच्छी लगी है, भरी दोपहर यहाँ ढूंढती हुई। ये चिट्ठी छोड़ गई है आपके लिए मिस्टर चुन्नीला। शाबाश, फरमाती हैं आप चकराएंगे कि आपके घर का पता कैसे चला लिया मैंने। कल शाम को 7:30 बजे चौरंगी पर रसगुल्ले की दुकान के सामने जरूर जरूर, और हाँ 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 जरूर मिलिए, नाम से शायद आप नहीं पहचानेंगे मुझे, वही हूँ मैं मोचुवाली। अब भी जॉनी के लिए गुरुदत्त की फिल्मों में काम करना एक अलग ही अनुभव लाता, क्योंकि वहाँ न सिर्फ जॉनी के लिए अलग से किरदार और गीत लिखे जाते बल्कि उन्हें अपनी लाइंस और सीन में फेरबदल की छूट भी मिली होती थी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जी कर गया जी, अभी अभी यहीं थक धर गया जी, किसे किया दाऊं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया। जॉनी वॉकर की कॉमिक टाइमिंग तो कमाल की थी ही, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर आते जाते हाव भाव लोगों को लोट पोट करने के लिए काफी होते, यहाँ तक कि वो अगर सिर्फ हैं ऐसा ही कह देते तो लोगों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। उन्होंने अपने जमाने के मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देवानंद के साथ बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर और CID जैसी फिल्मों में दिखे तो दिलीप कुमार के साथ नजर आए नया दौर, गोपी और मधुमती में। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी पीके जरा झूमे, हर सबने देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी, इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हर सबने देखा, जंगल में जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी गजर अजमे, हाय रे सामने देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। बात फिल्मों की हो रही है तो यहाँ ये बताते चलें कि 50 के दशक में जॉनी वॉकर का ऐसा क्रेज था कि अकेले साल 1956 में उनकी 13 फिल्में रिलीज हुई थी, उसके बाद ये आंकड़ा प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का रहा। इसी दौरान साल 1956 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें जॉनी वॉकर मुख्य भूमिका में नजर आए, ये फिल्म थी अभिनेत्री श्यामा के साथ आई फिल्म छू मंतर।
कौन गा रहा है? बैजू, दिल धड़क उठता है इसकी आवाज से। कौन है ये? बैजू बारा। आँख में सूरत तेरी, लपे तेरा होए लपे तेरा, अफसाना है लपे तेरा अफसाना है, क्या तुझे भी है पता, ये दिल तेरा होए ये दिल तेरा दीवाना है, ये दिल तेरा दीवाना है। श्यामा के साथ ही जॉनी नजर आए कुछ और फिल्मों में भी। इनमें से कुछ के नाम हैं दुनिया रंग रंगीली, जॉनी वॉकर, मिस्टर कार्टून एमए, नया पैसा, मिस्टर जॉन और खोटा पैसा। हसीनो संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में, देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। हसीनो संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते, जिस दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते। ओ जुल्फों वालों नाज तुम्हारे, आखिर कब तक हम सहते। तुम महलों में मस्त रहो, हम कुदरत के मैखानों में, हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। जॉनी हिंदी फिल्मी दुनिया के एकमात्र ऐसे हास्य कलाकार माने जाते हैं जिनके लिए इतने गीत लिखे गए, और ज्यादातर गीतों में उन्हें आवाज मिली मोहम्मद रफी की। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू। कुछ है दौलत वाले कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो हैं हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं अरे जो हैं हिम्मत वाले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, हे मैं बम्बई का बाबू। करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले जॉनी वॉकर उस दौर के कलाकार थे जब हास्य के लिए किसी तरह के द्व्यर्थी शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता था, और ना ही बेवजह कॉमिक सीन फिल्मों में जोड़ा जाता था। लेकिन वो दौर बदल चुका था, और ऐसे समय में जॉनी वॉकर के लिए काम करना मुश्किल होने लगा। अपने उसूलों से समझौता न करते हुए जॉनी वॉकर ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। लेकिन 14 साल के बाद उन्हें एक बार फिर लोगों ने देखा। ये फिल्म थी 1997 में आई फिल्म चाची 420। सालों बाद अपने चहेते कलाकार को बड़े पर्दे पर देखकर सबकी यादें ताजा हो गईं। जॉनी वॉकर के अंदाज भी कहां बदले थे। किसने चिलमन से मारा, हाय किसने
चिलमन से मारा। अरे नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा, नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। बिखेरे बाल जब वो, बिखेरे बाल जब वो, बिखेरे बाल जब वो आसमानों पर घटा झूमे, चले जब, चले जब हाय, चले जब नाच से जालिम, कयामत भी कदम चूमे, कयामत भी कदम चूमे। लचकत जाए, चमकत लचकत जाए, चमकत लचकत जाए, चमकत लचकत जाए। फिर न देखा, फिर न देखा, न देखा, न देखा, न देखा, अरे फिर न देखा पलट के दोबारा मुझे, फिर ना देखा पलट के दोबारा मुझे किसने चिलमन से, हाय किसने चिलमन से मारा। 29 जुलाई 2003 यही तारीख थी जब जॉनी वॉकर ने इस दुनिया के रंगमंच को अलविदा कहा। अब भी जब कभी किसी फिल्म में जॉनी वॉकर को देख किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो दूर कहीं एक सितारा चमक उठता होगा और गूंजती होगी यही आवाज। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने चुलबुले अंदाज से सभी को लुभाने वाले जॉनी वॉकर पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के फनकार।